बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर जॉब्स इन पाकिस्तान। आज मैं आपको बताऊंगा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन जॉब्स 2022-2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन सीक्स एप्लीकेशंस फ्रॉम डायनामिक एंड कमिटेड इंडिविजुअल्स to fill the vacant seats constitutional organization jobs 2022-2023। vacancies are opening for assistant director reporting urdu। theek hai, ye vacancies hain assistant director reporting urdu ke liye, assistant director interpretation ke liye, assistant director reporting english, section officer, translation officer aur assistant private secretary। इन तमाम जॉब्स के लिए पूरे मुल्क से लोग अप्लाई कर सकते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन रिजर्व्स द राइट टू कैंसिल द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ पार्शियली और एडवर्टाइज पोस्ट एट एनी स्टेज। ओनली दोज कैंडिडेट्स विद वैलिड डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स, ट्रांसक्रिप्ट्स एंड डिटेल्ड मार्कशीट्स फ्रॉम एन HEC रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट आर एलिजिबल। इसका मतलब यह है, तंजीम किसी भी मरहले पर जुज़वी या मुश्तहिल पोस्टों की भर्ती के अमल को मंसूख करने का हक महफूज रखती है। सिर्फ वही उम्मीदवार अहल हैं जिनकी दुरुस्त डिग्रियां, सर्टिफिकेट्स, ट्रांसक्रिप्ट्स और HE से तस्लीम शुदा इंस्टीट्यूट से तफसीली मार्कशीट्स हैं। ठीक है, इसके बाद वो बताते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर रिपोर्टिंग उर्दू, इसके लिए जो कम अज़ कम एटलीस्ट सेकेंड क्लास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन डिग्री चाहिए। उर्दू शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड 60-40 वर्ड पर स्पीड, 6 मंथ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन IT और मैक्सिमम एज लिमिट है इसकी 25 ईयर्स। सेकंड है इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर इंटरप्रेशन, मिनिमम 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर और ट्रांसलेशन स्टडीज, अपर एज लिमिट 25 ईयर्स। फिर उसके बाद तीसरा आता है असिस्टेंट डायरेक्टर रिपोर्टिंग इंग्लिश, एटलीस्ट सेकेंड क्लास 16 ईयर ऑफ एजुकेशन डिग्री, इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड 60-40 वर्ड पर मिनट, 6 मंथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन IT, मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर। इसके बाद है सेक्शन ऑफिसर, सेकेंड क्लास 16 ईयर ऑफ एजुकेशन और सेकेंड क्लास LLB डिग्री, द मैक्सिमम एज लिमिट इज 25 ईयर्स। फिर इसके बाद जॉब आती है ट्रांसलेशन ऑफिसर, मिनिमम 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर और ट्रांसलेशन स्टडीज, अपर एज लिमिट 25 ईयर्स। असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए है सेकेंड क्लास बैचलर्स डिग्री, 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग, टाइपिंग स्पीड 60-40 वर्ड्स पर मिनट, 6 मंथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट IT, मैक्सिमम लिमिट 25 ईयर्स। इंटरेस्टेड एंड क्वालिफाइड पर्संस कैन फॉरवर्ड एप्लीकेशंस ऑनलाइन थ्रू सबमिटिंग देयर CVs, रीसेंट फोटोग्राफ्स एंड स्कैन्ड कॉपीज ऑफ डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स एट। ये इनका वेबसाइट का लिंक है, आप यहाँ से डायरेक्टली कॉपी भी कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली उस वेबसाइट के ऊपर लैंड हो जाएंगे। अपनी तमाम डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स अटेस्ट करवा कर अपनी रिसेंट फोटोज के साथ, अपनी CV के साथ जो है ना आपने सबमिट करना है इस लिंक के ऊपर। ये तमाम का तफसील है, इसकी वैकेंट पोस्ट है और ये इसका इश्तिहार है जो अखबार में शाया किया गया था। जब आप इस लिंक के ऊपर इस लिंक को कॉपी करेंगे, इस यहाँ क्लिक हियर पे कॉपी क्लिक करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ से आपको QR कोड शो होगा, इसको स्कैन भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस फॉर्म के ऊपर पहुँच जाएंगे जो आपने ऑनलाइन सबमिट करना है। ये गूगल डॉक्स है। ठीक है, सबसे पहले आपने अपना ईमेल देना है यहाँ पे, जिस ईमेल से आपने गूगल पे लॉगिन किया होगा उसी से आप इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करना है वो यहाँ पर आपके सामने शो हो रही होगी, उसमें से इसमें सेलेक्ट करेंगे। आप एक से ज़्यादा जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप उसके लिए अहल हों तो। यहाँ नेम आएगा, फादर नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ के बाद आपका आ जाएगा एज। ठीक है, अपनी आपने यहाँ पे एज लिखनी है,
इस जगह पे एज रिलैक्सेशन इफ अप्लाइड, अगर इसमें से आपको कोई भी अहल हैं ठीक है आप, तो आप यहाँ पे अपने लिख सकते हैं। इसके पास NIC नंबर है, पोस्टल एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, डोमिसाइल है, क्योंकि पूरे मुल्क से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब, सरहद, सिंध, बलोचिस्तान, कुछ भी ठीक है, रीजन क्या है आपका। उसके बाद जेंडर है, वो भी आपने यहाँ मेंशन करना है। फिर यहाँ पे आके क्वालिफिकेशन आ जाती हैं, क्वालिफिकेशन आपको इस तरह से लिखनी है, टाइटल ऑफ डिग्री है, फिर इसके बाद डिवीजन है, फिर इसके बाद आपने जो जिस साल में इसको क्लियर किया है वो है, फिर उसके बाद आपने इसमें लिखना है यूनिवर्सिटी बोर्ड जहाँ से भी आपने इसको क्लियर किया है ठीक है, इस तरीके से आपने इसमें मेंशन करना है। मास्टर डिग्री है, मास्टर बैचलर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कम्प्लीट, इसी तरह आपने ये फॉर्म फिल करना है अपनी तालीम के बारे में। फिर इसके नीचे आपको पूछा जा रहा है डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 6 मंथ ठीक है, उसका आपने डिप्लोमा टाइटल आपने लिखना है, किस ईयर में किया था, फिर किस इंस्टीट्यूट से या किस बोर्ड से किया, वो भी आपने इसमें मेंशन करना है। एक्सपीरियंस है, अगर कोई अगर है तो आपने इसमें मेंशन करना है, अगर नहीं है तो फ्रेश है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपने अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अपनी कोई भी फोटो अपनी आपने अपलोड करनी जो रिसेंटली हो, और अपनी एक तफसील CV PDF फॉर्मेट में आपने यहाँ पर क्लिक करके आपने अपलोड कर देनी है। और यहाँ पर आपने जितनी भी आपकी कॉपीज हैं, डिग्रीज हैं ठीक है, उनको टेस्ट करके आप इसका स्कैन करके कॉपीज़ यहाँ पे अपलोड करेंगे। तमाम तर काम करने के बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाएगी। वीडियो लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।